স্বাগত জানাতেই উনি এসেছেন। ওনার বিশেষ সহযোগিতায় তারা আত্মীয় আপনারা সরাসরি দেখছেন স্বাগত জানাতে চলে এসেছে মূলত मिनिस्टर से पूछे कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने क्योंकि मिनिस्टर से पूछे कि क्यों चुप बैठे हैं। आप आम आदमी को नहीं मानकर अपने MLA अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप दमन में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ कहते हैं। मैं उनको ये बोलूँगा कि दूसरे का चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या बोला। सीएम ने जो भी स्टांस दिया है वो सीएम आपको ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करेगा। मुझे लगता है इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए और एक दूसरे से बात करना चाहिए। इस सिचुएशन में आम आदमी का घर जल रहा है, आम आदमी का चर्च और मंदिर जल रहा है, एक मिनिस्टर का गाड़ी को भी रोक रहे हैं और इसके पीछे कौन है? पॉलिटिशियन से आप पॉलिटिशियन से सवाल पूछे और एक दूसरे को अटैक मत करिए। इसमें नुकसान कॉमन आदमी का हो रहा है, कॉमन फैमिली का हो रहा है और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। कल इंटरव्यू करा रहा है नहीं आज ही एक ही विषय से बात हुआ कि रशिंग डाउन टू मणिपुर। उन्होंने मुझे सवेरे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मणिपुर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं मणिपुर जा रहा हूँ। मणिपुर जाने के बाद मैं सदन विजय को ब्रीफ करके आऊँगा और बुरा मत मांगी। मैं समझ सकता हूँ ये अर्जेंसी है, ठीक है, मैं और 4-5 दिन जाऊँगा और 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने मुझे बुलाया है, मैं यही बात अमित शाह से भी बात कब आएगा कोई नहीं। उसने कहा है कि मणिपुर वो आज ही क्या है, वो शायद अभी लैंड करने वाला मणिपुर में और उसमें मणिपुर में 2-3 दिन शायद लगेगा उनको, उसके बाद वो
उन्होंने खुद कहा, फोन करके खुद कहा, उन्होंने माफ़ी प्रकट किया। मैंने कहा गलत नहीं, मैं समझ सकता हूँ मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है, ये अर्जेंट है सिचुएशन, और मैं अमित शाह से एनी वे 10 तारीख को मिल रहा हूँ, और उसके बाद डिजिटल ऑफिसर से मुझसे भी नहीं मिलेगा, CM से भी मिलेगा, ITFC के लीडर से भी मिलेगा, समाज से भी मिलेगा, और हमसे भी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.